Hello friends, welcome to Engineers Technical Academy. Today we will be solving two questions that were asked in GATE. ये जो पहला question है microprocessor का, ये GATE 2017 में पूछा गया था. This year question, because asked in AC for 1 marks. And the second question, it is going to GATE 2013 question and it was asked for 2 marks. We will be solving this question first. So let me read the question for you. The question says the clock frequency of an 8085 microprocessor is 5 MHz. If the time required to execute an instruction is 1.4 microseconds, then the number of T states needed for executing the instruction is. Question ये कहना चाहता है कि अगर 1.4 microseconds में कोई instruction execute हो रहा है और operating frequency 5 मेगाहर्ट्ज की है, तो उस इंस्ट्रक्शन में कितने टी स्टेट्स रहे होंगे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू आस्क. हमें बताया कि टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल टी स्टेट्स इनटू टोटल टी स्टेट्स इनटू टाइम टेकन इन वन टी स्टेट. वेरी सिंपल, वेरी इजी. जैसे हम लोग बचपन में मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि भाई कोई कितनी दूर चला रहा है, तो जितनी दूर चला और एक में कितना दूर चला, उसी हिसाब से टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज टोटल टी स्टेट्स, कितने उसके पास टी स्टेट्स हैं और एक टी स्टेट में वो कितना टाइम देता है. दिस इज नथिंग बट 1/ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो टी स्टेट का मतलब होता है अगर हमारी क्लॉक एक साइकिल में जितना टाइम ले रही है, दैट इज नोन एज 1 T state. तो टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज टोटल टी स्टेट्स. लेट अस अज्यूम दैट टी इनटू 1/f ऑपरेटिंग and it is given as 1.4 microseconds. So total T states will be equal to 1.4 micros into 5 mega, that is 7 T states. Okay friends, अब हम लोग अपना second question solve करेंगे. It is question of programming. We'll be very cautious while solving this question. We'll do dry run of these instructions. ड्राई रन का मतलब होता है कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर इनको एग्जीक्यूट कर रहा होगा. विल सी हाउ वी डू दैट. तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इट सेज फॉर एन 8085 माइक्रोप्रोसेसर द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्यूमुलेटर कंटेन्स. कहने का मतलब ये कि इन इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट आया होगा. अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट सेज MVI, दैट इज मूव इमीडिएट डेटा 05H इनटू A. तो हमें क्या करना है, 05H को A में मूव कराना है. तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 05 इन हेक्सा या फिर 0 0 0 0 0 1 0 1. ठीक. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमने इसको एक्सक्यूट कर लिया पहले वाले को. सेकेंड क्या कह रहा है, MVI मूव इमीडिएट डेटा 05H इनटू B. तो हम लोग अब B में 05H डालेंगे इन बाइनरी ऑल्सो. ये कुछ नहीं है, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये मैंने एग्जाम में वही बात लिख दी है, वही बात रजिस्टर में बाइनरी में ऐसे स्टोर हो रही होगी. तो इट इज नथिंग बट द सेम थिंग. यू नीड नॉट टू कंफ्यूज बाय दीज वैल्यूज. नाउ द स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीटीआर एंड पीटीआर ओवर हियर. ठीक है. द थर्ड स्टेटमेंट इज एड बी, बट यू सी समथिंग इज रिटन ओवर हियर. इट इज रिटन पीटीआर. तो इससे हमें घबराने की या डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. ये पीटीआर कुछ नहीं है, ये एक
मेमोरी लोकेशन है, जिस मेमोरी लोकेशन पे ऐड भी लिखा हुआ है उसका मेमोरी लोकेशन है। जैसे हम कन्वेंशनल तरीके से जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2000 H MOV A B, कन्वेंशनल तरीके से जब भी कॉपीज में या कहीं भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो A कॉमा B इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं ये आप इस मेमोरी एड्रेस पे लिख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन MOV A B इज बीइंग रिटन ऑन द मेमोरी लोकेशन 2000 H। इन द सेम वे द इंस्ट्रक्शन ADD B इज बीइंग रिटन ऑन द मेमोरी लोकेशन PTR। अब द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर कि हमें इस PTR को स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत थी, तो इसका आंसर अभी हमें आगे ही मिलेगा दो स्टेप बाद। तो अभी हम ये देखते हैं कि किसी लोकेशन पे ADD B लिखा हुआ है, PTR लोकेशन पे ADD B लिखा हुआ है। ADD B का मतलब क्या, Add the contents of B into accumulator and store the result in accumulator. तो the third step is A is equals to A plus B, that is 05 H को हमने जोड़ा, it is in hexa, it will be 0A H, the contents of accumulator will be 0A H. Now the third, fourth step is DCRB. DCRB means decrease the value of B by 1. So this is B is equals to B minus 1. So we will decrease the value of B by 1. B is 05H. Now B will become 04H. Now see, again, jump if non-zero to PTR. इसका मतलब ये है कि आप इस वेक्टर लोकेशन पे जंप कर जाइए अगर ऊपर होने वाला अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जीरो नहीं है तो, जीरो नहीं है तो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि ये इस लोकेशन पे, ये प्रोग्राम इस लोकेशन पे जंप करेगा अगर डीसीआर बी करने के बाद बी की वैल्यू जीरो ना हो तो। तो बी की वैल्यू डीसीआर बी करने के बाद हुई है 04H, तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो पीटीआर पे जंप कर जाएगा। और ये चीज जो कि लूप है, अब यहां आपको लूप दिख रहा होगा, आपने नंबर वन इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, अब आप फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट अ लूप। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज अ लूप। सो नाउ वी गो अगेन बैक टू एड बी एंड वी एड बी इन ए, सो A will be equals to A plus B, but the content of B is decreased by 1 now. So the value of A is 0A, value of B is 04. So value of A, new value of A will be 0EH. H specifies hexadecimal. Now again we follow a step, it is decrease B. We'll decrease the value of B by 1, it will become 03H. Now again, jump if non-zero to PTR, that is, अगर decrement B करने के बाद B की value non-zero हो, तो आप PTR पे चले जाएं। हमने देखा, B की value non-zero है, हम PTR पे चले गए। तो कहने का मतलब ये, कि अब एक बार और loop चलेगा, दोबारा से A is equals to A plus B, तो A में आएगा 0E plus 03, that is 11 hexa, and B is equals to B minus 1, that is 02H. Again, the value of B is 02H, so these instructions will be repeated again, that is the loop will again be executed. So again A is equals to A plus B, that is 11H plus 02H, it will be 013H, and again B is equals to B minus 1, so value of B will again be decreased by 1, this time B will become 01. तो अब आप लोग देख सकते हैं B की वैल्यू 01H हो गई है, इसका मतलब इस बार तो लूप एग्जीक्यूट होगा
लेकिन जैसे ही अगली बार b की वैल्यू एक और हम घटाएंगे उसके बाद लूप एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि b की वैल्यू तब जीरो हो जाएगी और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम लोग एक बार और हमें लूप चलाना पड़ेगा। अगेन a में b के कंटेंट्स जोड़े जाएंगे तो 1 3 में 1 जोड़ा जाएगा 1 4 बन जाएगा और b के कंटेंट्स एक बार घटाए जाएंगे बाय 1 तो b की वैल्यू अब 0 0 है। My dear friends, now the value of b is 0 0 h. So this condition here will now fail. As this condition fails, the loop will not be executed. That is, the value of program counter will not shift to here. Else, it will come here. So now we will come to this instruction, that is ADI 03H. ADI 03H means add immediate data 03 into accumulator. So content of accumulator is 1 4 and we will add that immediate data 03. Now content of accumulator will be 07H and halt means you have to stop your program now. So the final content of accumulator will be 17H. This is how we execute a program, or in our language we dry run a program. We have to remember a few points over here. First, how many times the loop is being executed. So we can see 1 2 3 4 5. 5 times loop is executed and the final contents of accumulator are 17H. Thank you guys. I think आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने प्रोग्राम ड्राइवर करना सिखाया, और I'll appreciate any comment.